अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है गोभी मंचूरियन। चिकन मंचूरियन तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज हम बनाते हैं गोभी मंचूरियन। ये एक किलो मैंने गोभी का फूल लिया था, इसके पत्ते वगैरह उतार के, तो फिर ये तकरीबन 750 ग्राम बची है। अब ये पानी मैंने बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रखा है और इसमें ये एक टीस्पून नमक डाल रही हूँ। पानी में बॉयल तकरीबन आ चुका है, अब इसमें ये मैं गोभी डाल दूंगी। इस गोभी को हम हाई फ्लेम पे तकरीबन 2 मिनट तक पका लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं गलानी, बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं गोभी को उबलते हुए, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और गोभी को पानी में से निकाल लेती हूँ और इसको बिल्कुल ठंडा कर लेती हूँ। जब तक गोभी ठंडी होती है, हम गोभी के लिए एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने ये 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून चावल का आटा। अब इसमें मैं डालती हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून ही काली मिर्च। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना और थिक भी नहीं रखना, बस मुनासिब सा एक घोल हम बनाएंगे। ये इस तरह का हमने बनाना है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर और 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके अब ये गोभी हम इसमें डालेंगे। और अच्छी तरह इसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे इस मिक्सचर की। इस तरह कोटिंग करने के बाद अब फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लोर डस्ट करेंगे। इस मिक्सचर में मैंने जो चावल का आटा डाला है, अगर आपके पास है तो डाल लें, अगर नहीं है तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, वो सिर्फ ये है कि गोभी जरा क्रिस्पी बनेगी। इस तरह अब हम इसे दूसरी प्लेट में रखते जाएंगे। ये भी सिर्फ इसलिए है कि जरा गोभी क्रिस्पी बने। अब गोभी को करते हैं हम साइड पे और हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून पहले हम लेंगे सिरका, 2 टेबलस्पून लेंगे सोया सॉस, 2 टेबलस्पून ही लेंगे चिली सॉस। इन सबको हम मिक्स करके पास रख लेते हैं। और ये 4 टेबलस्पून है टमाटो केचप, ये 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, इसे भी हम पानी में मिक्स करके रख लेते हैं, क्योंकि ये सब तैयारी हम करके रखेंगे तो फिर ही फटाफट जो है वो हमारी डिश तैयार होगी। साथ साथ बाकी चीजों के साथ तो ये है कि हम साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसका ये है कि सब कुछ पहले ये हमें हल बना के रखना पड़ता है। पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया था जब तक मैं बाकी काम कर रही थी, इसमें ऑयल डाल के ऑयल गर्म हो चुका है। अब ये गोभी को हम कर लेते हैं फ्राई। गोभी फ्राई हो चुकी है, ये अब मैं निकाल रही हूँ। अब उसी ऑयल में से थोड़ा सा मैं ऑयल लूंगी, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। दूसरा हम साइड पे रख देंगे, ठंडा हो जाएगा तो छान लेंगे, वो कोई जाया नहीं होगा, हम फिर उसमें जो कुछ पकाना चाहें पका सकते हैं। अब ये मैंने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ ये डाला है, ये बहुत ज्यादा नहीं हमने भूनना,
बस हल्का सा फ्राई करेंगे। तो फिर ये एक प्याज है, ये मैंने बारीक स्लाइसेस में काटा हुआ है, इसे डाल लेंगे। इसे भी बस हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, बस प्याज सॉफ्ट हो गए। अब इसमें ये हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च और हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, डालेंगे वो जो सॉसेज हमने मिक्स करके रखी थी। अब डालेंगे इसमें केचप, अगर आप ज्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप चिली सॉस और डाल सकते हैं। केचप डालने के बाद तकरीबन एक मिनट मैंने भूना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप चिकन स्टॉक, अगर आपके पास है तो डालें वरना पानी ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन स्टॉक बनाना भी कुछ मुश्किल नहीं है। जब आप घर में चिकन मंगवाते हैं तो उसमें से हड्डियां क्योंकि जैसे गर्दन रिंग्स वगैरह, तो उनका आप स्टॉक बना के रख लिया करें, क्योंकि वो बोटना तो वैसे भी कोई नहीं खाता। अब इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे। अब ये कॉर्नफ्लोर जो मैंने पानी में घोल के रखा था थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते हैं और देखते हैं कि ग्रेवी हमने कितनी थिक रखनी है, एकदम से सारा नहीं डालना। ये एक चम्मच मैंने पानी में मिक्स करके रखा था लेकिन तकरीबन आधा ही डला है। इसे भी थोड़ी देर अभी पका लेते हैं। अब देखेंगे ग्रेवी हो चुकी है हमारी थिक। अब हम इसमें मिक्स करते हैं गोभी। बस गोभी डाल के मिक्स करके हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। ये मजेदार सा गोभी मंचूरियन हमारा तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।